वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर नाइन बालोची एफएससी पार्ट टू आवर डिस्कशन टॉपिक फ्रॉम चैप्टर ट्वेंटी दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने सेंटर डोगमा के बारे में डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि डोगमा के दो स्टेप्स होते हैं एक स्टेप उसका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और सेकेंड स्टेप जो है वो ट्रांसलेशन होता है आज के लेक्चर में हम लोग डोगमा के फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वट इज़ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मसेंजर आर एन ए फ्राम द डी एन एज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन को बच्चे अगर हम मजीद देखें तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए की इंफॉर्मेशन जो होती है वो मसिंजर आर एन ए की फॉर्म में कॉपी कर ली जाती है ये जो बच्चे मसिंजर आर एन ए की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कॉपी होती है ये एक इंजाइम के थ्रू होती है जिसको हम आर एन ए पोलिमरेज इंजाम कहते हैं सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आर एन ए पोलमरेज की हेल्प से जब डीएनए की इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का बच्चे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है यहाँ आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आप लोगों को यूक्रोटिक सेल नजर आ रहा होगा इस सेल के सेंटर में देखिए न्यूक्लियस नज़र आ रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो नज़र आ रहा होगा ये जो बच्चे डीएनए है ये कॉपी कर लिया जाता है मसिंजर आरएनए की फॉर्म में और ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में जब कॉपी किया जाता है तो एक इंजाम के थ्रू किया जाता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज ए कहते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जैसे ही बच्चे ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस से मूव करता हुआ कहां आता है साइटोप्लाज्म में आता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर आके ये राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं क्लियर उसके बाद बच्चे हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के तीन मेजर स्टेप्स हैं सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो है इनिशिएशन सेकेंड है इलोंगेशन और थर्ड है हमारे पास टर्मिनेशन ये तीन स्टेप से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है ये बच्चे स्टेप डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके स्टैंड्स को आपको पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है मतलब दो इसके स्टैंड होते हैं इसका जो बच्चे एक स्टैंड जो कि टेम्फरे स्टैंड कहलाता है ये वो स्टैंड होता है जिसने ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है डीएनए का वो स्टैंड जो कि ट्रांसक्राइब होकर मसिंजर आरने में कन्वर्ट होता है उसको हम टेम्पलेट एंटी सेंस और एंटी कोडिंग स्टैंड कहते हैं अब जो बच्चे इससे ओपोजिट स्टैंड होता है उसको हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं या हम इसको सेंस स्टैंड कहते हैं द ओपोजिट नॉन ट्रांसक्राइबिंग मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा इस वजह से हमने इसको क्या बोला है नॉन ट्रा, ट्रांसक्राइबिंग स्टैंड है और स्टैंड को हम सेंस भी कहते हैं और कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं उसके बाद बच्चे हमारे पास है रोल ऑफ आर एन ए अब हमने कहा है कि हमारे पास जो डी एन ए है वो कॉपी होता है मसेंजर आर एन ए की फॉर्म में और ये एक इंजाम के थ्रू होता है जिसको हमने आर एन ए का नेम दिया और ये बच्चे आर एन ए के इंज़ाम के थ्रू क्या होता है कि जो आर एन ए है वो बनता है और आर एन ए किस डायरेक्शन में बन रहा होता है फाइव प्राइम टू थ्री डायरेक्शन में बन रहा होता है डी एन ए रेप्लीकेशन के अंदर भी आपने देखा कि बच्चे जब डी एन ए बनता है तो वो भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में बनता है तो जो आर एन ए बनता है ये भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में बनता है ये जो बच्चे हमारे पास प्रो होते हैं इनके अंदर एक ही आर एन ए पोलिम्रेस इंजाम होता है जो कि आर एन ए की तीनों टाइप बना रहा होता है राइबोसोमल आर एन ए बी मसेंजर आर एन ए बी और ट्रांसफर आर एन ए बी मतलब प्रो के अंदर एक ही आर एन ए पोलिम्रेस इंजाम जो है ये तीनों आर एन ए की टाइप जो है वो बनाता है लेकिन जो बच्चे जो हमारे पास यू होते हैं इनके अंदर आर एन ए पोलिम्रेस की तीन टाइप्स होती हैं जो कि फर्दर आर एन ए की टाइप्स को बना रहे होते हैं सबसे पहला इसका जो एंजाइम है वो है आर एन ए एंजाइम वन क्या करता है राइबोसोमल आर एन ए की फार्मेशन करता है उसके बाद हमारे पास है आर एन ए पोलमरेज टू एंजाइम जो कि मैसेंजर आर एन ए की सिंथेसिस करता है और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है आर एन ए थ्री जो कि ट्रांसफ़र आर एन ए की फॉर्मेशन करता है ठीक है ये याद आप लोगों ने रखना है कि प्रो क्रोड्स के अंदर एक ही आरएनए होता है जो कि तीनों टाइप बना रहा होता है लेकिन जो यू क्रोड्स होते हैं इनके अंदर आर एन की तीन टाइप्स होती हैं जो कि फर्दर टाइप्स ऑफ आर बनाते हैं उसके बाद बच्चे हमारे पास है प्रमोटर प्रमोटर जो है एक्चुअली बच्चे ये बाइंडिंग साइट होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है मतलब डीएनए के हर पॉइंट के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होती बल्कि उसके वो जो डीएनए का स्टैंड है उसके अंदर स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है तो उसको हम प्रमोटर कहते हैं ठीक है थीके? मतलब जो आर एन ए जिस बाइंडिंग साइट के ऊपर आके अटैच होता है उसको हम प्रमोटर कहते हैं और ये डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं मतलब जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है इनके अंदर बच्चे मसेंजर आर एन ए बनाने की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उस साइड को हम बाइंडिंग साइड या प्रमोटर साइड कहते हैं जहां पे आके आर एन ए पोलिंग अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है अब ये जो बच्चे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ये बाइंडिंग साइट पे बनता है तो अगर हम प्रो में देखें तो प्रो के अंदर बच्चे दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम टी टी जी टी टी जी ए सी ए कहते हैं या टगासा कहते हैं और ये बच्चे बनता है माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस के ऊपर अब यहाँ माइनस का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ पे प्रमोटर होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है उसकी ओपोजिट साइड पे जो माइनस थर्टी फाइव का सीक्वेंस है वहाँ पे बच्चे टगासा का सीक्वेंस बनता है ठीक है और माइनस टेन सीक्वेंस के ऊपर जो है वो टाटा ऐड का बनता है ठीक है इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखने हैं कि प्रो के अंदर दो बाइंडिंग साइट होती हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकता है इसी तरह बच्चे जो यू क्रोड्स हैं इनके अंदर भी दो बाइंडिंग साइट होती हैं सबसे पहले टगासा है टासा जो है वो माइनस सेवेंटी फाइव सीक्वेंस के ऊपर बनता है इसी तरह माइनस ट्वेंटी फाइव के ऊपर जो है वो टाटा एट बनता है ठीक है तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि और तो यू के अंदर दो साइट कौन कौन सी हैं और वो किस सीक्वेंस के ऊपर जो है वो जाके बनती हैं सबसे पहला बच्चे इसका हम स्टेप डिस्कस कर लेते हैं अब हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं तो इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि बच्चे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये आके प्रमोटर के साथ जो है वो अटैच होता है ठीक है हमने पहले भी बात की कि आर एन ए पोलियम इंजाम जो है इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है तो ये आके कहाँ पे अटैच होगा ये स्पेसिफिक साइड जिसको हमने प्रमोटर का नेम दिया था इस प्रमोटर के साथ जो है वो आर एन ए पोलिम जो है वो आके बाइंड होगा और इससे क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हो रहा होता है उसके बाद बच्चे क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन बबल बनती है अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल कैसे बनती है कि आपको पता है कि जो हमारे पास डीएनए है ये डबल स्टैंड है तो डबल स्टैंड जो है ये इनकी बाउंडिंग जो है वो स्टार्ट हुई होती है तो ये जब आर एन ए पोलिमरेज इंजाम जो है ये डी एन ए के ऊपर आके अटैच होता है डी एन ए की प्रोमोटर साइड पर अटैच होता है तो उस साइड से उस साइड पर क्या होता है कि ये डी एन ए स्टैंड जो है वो ओपन हो जाता है ये जैसे ही बच्चे डी एन ए जो स्टैंड है ये ओपन होते हैं तो ये एक बबल लाइक -like स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं अब ये जो बच्चे बबल होती है ये दो तरह के स्टैंड बनाती है जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि एक जो है वो टेम्परेट स्टैंड बनता है और एक उसका कोडिंग स्टैंड बनता है ये कब बनता है जब आर एन ए पोलिमरेज इंजाम जो है वो आके डीएनए की प्रमोटर साइड पे अटैच होता है जैसे ही प्रमोटर साइड पे अटैच होता है कि डी जो अटैच होता है तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं एक स्टैंड होता है वो दूसरे स्टैंड से सेपरेट हो जाता है यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये देखिए हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको नजर आ रहा है ठीक है अब क्या हुआ है कि आर एन ए पोलिम्रेज इंज़ाम जो है वो यहाँ आके अटैच हुआ है ठीक है ये आर एन ए पोलिम्रेज इंजाम आप लोगों को पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ठीक है ये आर एन ए पोमरेज इंजाम जो है आके इसके साथ अटैच होता है जैसे ये अटैच होता है तो ये बचे ये दोनों स्टैंड जो है वो ओपन हो जाते हैं ठीक है ठीके? ये वाला स्टैंड है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है उस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं और जो इससे ओपोजिट स्टैंड होता है उसको हम ओपन करता, वैसे वैसे करता जाएगा और है उसको हम टेम्परेर स्टैंड कहते हैं ये बच्चे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये स्टैंड ओपन होते हैं तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं क्लियर उसके बाद बच्चे हमारे पास सिग्मा फैक्टर यहाँ हम लोगों ने बात की कि जो आर एन ए होता है ये जाके डी एन ए की प्रोमोटर साइड पर अटैच होता है तो बच्चे आर एन ए इंज़ाम जो है ये भी खुद से काम नहीं करता बल्कि इसको भी काम करने के लिए एक फैक्टर की ज़रूरत होती है जो कि सिग्मा फैक्टर होता है ये सिग्मा फैक्टर जो होता है ये आर एन ए के साथ जुड़ता है जैसे ये आर एन ए के साथ आता है तो इनिशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है मतलब ये आर एन ए पोलिमरेज इंजाम को जो है वो डी एन ए की प्रोमोटर साइट के साथ अटैच करने में हेल्प करता है जैसे ही बच्चे ये इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो जो सिग्मा फैक्टर आर एन ए पोलिब्रेज के साथ अटैच होता है वो उससे अलहदा हो जाता है और रिलीज़ हो जाता है ठीक है मतलब ये आर एन ए पोलिब्रेज इस को सिर्फ इनिशिएट करने जाता है अटैच करने जाता है डी एन ए की प्रमोटर साइट के साथ जैसे वो अटैच कर देता है इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आर एन ए पोलिम्रेज से डी अटैच हो जाता है ये बच्चे जो हमारे पास सिग्मा फैक्टर या बाराने से सेपरेट से हो जाता है तो इंजाम का जो बाकी पार्ट बचता है उसको हम कोर इंजायम कहते हैं ठीक है अब ये कोर इंजायम जो है ये मूव करता है किस स्टैंड के ऊपर टेम्पलेट स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड हमने किसको नाम दिया है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो जैसे ही बच्चे ये टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर मूव करेगा तो इस तरह जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होगा वो कम्प्लीट होगा सेकेंड स्टेप है इनोंगेशन इोंगेशन कहते हैं किसी चीज़ का बढ़ना अब ये कैसे बढ़ता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो बच्चे मूव करती है डों द ए जैसे वो डी एन ए के डोन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव करती है तो उसके अंदर से एक स्टैंड जो है वो निकलता है अब हमने कहा था कि डी एन ए से हमने मसिंजर आनंद बनाना है तो यहाँ हमारे पास ग्रोइंग स्टैंड कौन सा होगा जी मसिंजर आर एन ए होगा ये डी एन ए से क्या होगा मसिंजर आर एन ए जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ से स्टार्ट निकलना स्टार्ट होगा जहाँ पे ये बबल बनी होगी डी एन ए स्टैंड के ऊपर जहाँ से ये ओपन हुए थे वहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल बनी थी उस बबल में से एक स्टैंड निकलेगा जिसको हम मसिंजर आर एन ए कहते हैं ठीक है प्रोट्रूडिंग का क्या मतलब है निकलना इस बबल में से एक ग्रोइंग स्टैंड निकलेगा जिसको हम मसेंजर आर एन ए कहते हैं उसके बाद बच्चे हमारे पास है टर्मिनेशन टर्मिनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप होनी होती है मतलब एक स्टेप ऐसा आता है कि वहाँ क्या होता है कि एक सिग्नल दे दिया जाता है कि अब मसेंजर आर एन ए की फार्मेशन कम्प्लीट हो चुकी है अब मजीद मसेंजर आर एन ए बनाने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से बच्चे एक आके स्टॉप सिग्नल लगता है जिसको हम टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं ये बच्चे कब जो है ट्र, 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 ट्रांसमिशन होती है जब मसेंजर आर एन ए के ऊपर जो हैं वो जीसी जीसी की बेस पर रिपीट होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ से स्टॉप सिग्नल मिल जाता है आर एन ए को कि अब उसको स्टॉप कर दिया जाए अब मजीद मसेंजर आर एन ए बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यहाँ मैं क्या बात आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पास मसेंजर आर एन ए है इसके ऊपर जो है वो जीसी बेस पेयर की जो है नाइट्रोजन बेसिस हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी और जैसे ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो स्टॉप सिग्नल मिल जाएगा स्टॉप सिग्नल किसको मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज को फिर आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो डीएनए से सेपरेट हो जाएगा और इस तरह मैसेंजर आरएनए की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी अब ये जो बच्चे आरएनए फॉर्म हुआ है यहाँ से ठीक है वो जीसी सी पिन बनाता है ठीक है क्यों क्योंकि जो आर एन ए के ऊपर जी सी की बेस पे जो हम रिपीट होना शुरू होती हैं तो वो एक पिन की फॉर्म में जो है वो मुड़ जाती हैं जिसको हम जी सी हेयर पिन कहते हैं और जी सी हेयर पिन के बाद जो है वो यू न्यूक् भी बनना स्टार्ट होते हैं मतलब पहले सीक्वेंस आ रहा होता है एटी एटी का एटी के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है जी सी जी सी जी सी और जी सी इस तरह रिपीट होती जाती हैं वहाँ पे स्टॉप सिग्नल मिलता है और स्टॉप सिग्नल के बाद जो है वो यू यू की जो है वो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं अब ये बच्चे हेयर पिन क्या करती है कि आर एन ए पोलमरेज की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है कि आर एन ए पोलिमरेज को रोक देती है कि अब मैसेंजर आर एन ए बनाने की जरूरत नहीं है अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं तीनों स्टेप्स को यहाँ सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या था इनिशिएशन इनिशिएशन के अंदर क्या हुआ था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके ऊपर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अटैच होता है ये आप लोगों को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नज़र आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो है इसको अटैच करने के लिए सिग्मा फैक्टर होता है और ये आर एन जो है ये इसकी जो प्रमोटर साइट होती है इसके ऊपर आके अटैच होता है जैसे ही बच्चे ये आर एन जो है ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर इससे रिलीज़ हो जाता है जैसे यहाँ आप सेकेंड स्टेप के अंदर दे सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर जो है वो बाहर आ चुका है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है ये मसिंजर आर एन जो है ये यहाँ से बनना स्टार्ट होता है तो ये जो हमारे पास आर एन ए है ये सबसे पहले यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता है जैसे यहाँ बबल बन जाती है तो आर एन ए पोलिम्रेज इंज़ाम जो है वो मूव करता रहता है और जैसे ये मूव करता रहता है तो यहाँ मसिंजर आर एन ए की फार्मेशन जो है वो होती जाती है ठीक है यहाँ बच्चे थर्ड स्टेप के अंदर आके देखें कि ये टर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है टर्मिनेशन के अंदर क्या हुआ है कि आर एन ए जो है वो बन चुका है टोटली इस तरह आर एन ए पोलिम्रेस जो इंजाम है इसको स्टॉप कर दिया गया है इसी तरह आर एन ए पोलिम्रेस जो है वो दोबारा से अपने आप को सिग्मा फैक्ट्री के साथ जाके अटैच करता है और न्यू प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर देता है उसके बाद बच्चे हमारे पास है रोल ऑफ मसिंजर आ बल्कि रिलीज ऑफ मसेंजर आ के जो मसिंजर आ ने बन जाता है तो वो रिलीज कैसे होता है तो बच्चे प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं अब बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही बच्चे मसिंजर आ रहा बनता है तो वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है यहाँ आपको पता है कि न्यूक्लियस नहीं होता रोक के अंदर क्या है डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता उसका साइटोप्लाज्म के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है तो जेनेटिक जो है इन्फॉर्मेशन के अंदर जब मसेंजर आलन ने कॉपी होता है तो वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और साइटोप्लाज्म से जो फर्दर उसको पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन के अंदर जो है वो चेंज कर दिया जाता है बल्कि जो हमारे पास यू क्रियोट्स होते हैं बच्चे इनके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास मसेंजर आ है इसको लार्ज डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ता है वो कैसे क्योंकि यू क्रियोट्स के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद होता है यूक्रोड्स के अंदर जैसे ही मसिंजर आरने न्यूक्लियस के अंदर बनता है तो न्यूक्लियस से मूव करता हुआ वो राइबोसोम्स के पास आता है और राइबोसोम कहाँ मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं तो इस वजह से ये कहा गया है कि यूक्रोड्स के अंदर मसिंजर आरने को लार्ज डिस्टेंस जो है वो करना पड़ता है ठीक है यूक्रोड्स के अंदर बचे जब मसिंजर आरने बाहर आता है तो इसको जो है वो खतरा होता है मैसेंजर आरअ्य क्या करता है कि अपने जो दो स्ट्रक्चर बना लेता है क्योंकि इसके दो पॉइंट होते हैं एक इसका प्राइम फाइव प्राइम एंड होता है और एक इसका थ्री प्राइम एंड होता है ठीक है ये दोनों एंड क्या करते हैं कि ये एक जो मैसेजर आर एन ए को जो है ये बचाते हैं मतलब ये किसी भी दुश्मन को या मतलब ये कह सकते हैं कि उनको कोई ऐसा मोलिकूल जो इसको नुकसान पहुंचा सके उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस काज करते हैं अब ये जो बच्चे इसका एक एंड होता है वहाँ कैप बनती है और जो दूसरा एंड होता है वहाँ टेल बनती है ठीक है अब ये कैप और टेल क्या है एडिशन ऑफ कैप एंड टेल अब ये जो बच्चे टेल और कैप इसके अंदर बनती है इसकी वजह से मसिंजर आ रनने का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है ये जो कैप होती है ये फाइव प्राइम पे बनती है मतलब जो मसिंजर आ रन्य का फाइव प्राइम एंड है वहाँ ये कैप बनती है ये कैप जो है वो ये टॉपी की तरह नहीं होती बल्कि ये इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको सेवन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं ठीक है ठीके? ये एक मॉलिक्यूल है जो कि फाइव प्राइम एंड पे आके अटैच होता है ठीक है इसको हम कैप कहते हैं ये कैप जो है ये मसिंजर आ रन्य को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसके बाद बचे इसकी जो टेल है ठीक है टेल जो है वो थ्री प्राइम एंड के ऊपर बनती है ठीक है मसेंजर आ रहा है कि थ्री प्राइम एंड के ऊपर जो है वो पोली ए टेल बनती है ए का मतलब है एडिनिन की काफ़ी ज़्यादा जो है नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होती हैं पोली मैनी और ए एडिनिन मैनी एडिनिन जो है वो मिलके जो है एक लंबी टेल बनाते हैं जो कि थ्री प्राइम एंड पे बनती है ये बच्चे जो कैप और टेल होती है ये न्यूक्जिस और फोर्स ये दो तरह के इंजाम्स हैं जो कि मसिंजर आ रहने को ख़राब कर सकते हैं इस वजह से ये दोनों कैप और टेल जो है इन दोनों इंजाइम से इनको बचाती है यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ दिखाया गया है कि पोली टेल क्या है पोली ए टेल क्या है और हमारे पास ग्वानोसिन ट्राईफोस क्या है ये देखें हमारे पास जो है ये डबल स्टैंड डीएनए है यहाँ से मसिंजर आर की फार्मेशन हो चुकी है ठीक है मसिंजर आर को जब बाहर निकालते हैं तो बच्चे इसको नुकसान होने की जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इनकी एक एंड के ऊपर जो है वो सेवन मिथाइल जो है ग्वानोसिन ट्राईफोस फेस अटैच होता है और एक इसकी एंड के ऊपर जो है वो पोली ए पोली जो है पोली ए जो है वो आके अटैच होता है ठीक है तो ये दोनों एक जो है वो टेर बनाती है और एक जो है इसकी कैप बनाती है ये दोनों जो है ये इसको न्यूक्लियसिस इंजाम और फोर्स जो इंजाइम होते हैं इनसे जो है वो बचाती है क्लियर ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर होप सो आपको समझ आ गया होगा ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पेपर में बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ हुआ है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद करना है ठीक है आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच